ऊपर भी तक पा रहा है ना भाई, पूरा खत्म है। कितना नशा किया जी? आँख दिख रहा है तुम्हारा? आँख दिख रहा है? दिख रहा नहीं भैया। दिखा है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। एंड फिलहाल अपन भाई लेके निकल चुके हैं अपनी वैम को। अभी सबसे पहले चल रहा है भाई बाइक में फ्यूल अप कराएंगे, क्योंकि भाई पेट्रोल देख सकते हो भाई ब्लिंक कर रही है अपनी। एंड सबसे मेन चीज़ क्या है ना भाई, जब भी आप ऐसी बाइक्स को राइड करते हो जिसमें फ्यूल इंजेक्टर होता है ना, उसमें आप कभी भी भाई जब भी ब्लिंक करे, जब भी रिजर्व में जाए, तो तुरंत से फ्यूल अप करा लो यार। वरना ना भाई इसका जो फ्यूल पंप होता है उसका जो कॉस्ट होता है भाई लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का फटका आपके ऊपर पड़ सकता है। जैसे कि अपने को अपने ज़ारा में पड़ चुका है ऑलरेडी, मतलब हमने ऑलरेडी चेंज करा रखा है एक बार, आपको पता होगा शायद, जो भी अपने पुराने व्यूअर्स उन्हें ज़रूर पता होगा बीच में क्या हुआ था भाई। बाइक ने बहुत मिसिंग मार रही थी, तो फिर हमने उसका फ्यूल पम्प चेंज कराया था, तो जाकर फिर ठीक हो गया था। अभी जल्दी से पहले चल के इसकी टंकी कराते हैं फुल, फिर हो जाएंगे भाई हम लोग गुल। जल्दी से चलते हैं भाई। एंड फिलहाल अभी हमारा ये प्लान है कि अभी चल रहे अपन भाई, कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पर पहुँचते सीधा, एंड उसके बाद आपको आज मिलेगी एक तबाही वाली स्ट्रीट रेस। ये आ चुके भाई अपने फ्यूल अप स्टेशन पे, जहाँ पे अपन रेगुलर फ्यूल अप कराते हैं भाई। लगभग 9 लीटर फ्यूल आया बाइक के अंदर, तो 962 रुपये में हो गई अपनी टंकी फुल। अभी क्या करेंगे ना भाई, ट्रिप्स को ज़ीरो कर देते हैं तो पता चल पाता भाई फुल टैंक में। देखो लास्ट हमने जो फुल टैंक कराया था उसके बाद से अभी तक बाइक चली है 293 किलोमीटर्स, तो एक फुल टैंक में 293। देखो दोनों ट्रिप को अपन हमने कर दिया ज़ीरो, और ये रिजर्व का इसको भी ज़ीरो कर देते हैं। चीज़ तो है, जब अपनी बाइक की टैंक फुल होती है ना, तो राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एक अलग सा भाई सुकून मिलता है। आज भाई आपको ट्रैफिक फिल्ट्रेशन दिखाएंगे तगड़ी वाली। भाई ये देखो कुछ लोग भाई यहाँ भी रॉन्ग साइड में आ रहे हैं भाई, किधर जा रहा है ये भाई, ओवर ब्रिज के ऊपर रॉन्ग साइड में आ रहे, सोचो। तो भाई कल व्लॉग नहीं आ पाई थी, उसके लिए भाई सॉरी रहेगा आप लोग को, क्योंकि भाई कल अपन ना थोड़ा काम में बिजी थे, एंड कुछ कुछ भाई पेंडिंग वर्क्स भी है वो कंप्लीट करना है। ऑल दो भाई इट्स माय बर्थडे मंथ, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग करने का। वैसे अपना एक भाई अलग सा प्लान हुआ है आफ्टर माई बर्थडे, क्योंकि भाई मैं ये सोच रहा था ना कि देखो डेली व्लॉग्स तो अपना चल ही रहा है, साथ ही साथ क्यों ना भाई इंस्टाग्राम पर रेगुलर अपन रील्स वगैरह भी डालते रहे, और कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट रहे तो उसका शॉर्ट्स वीडियो भी डाले। क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हो भाई शॉर्ट्स आप नहीं अपलोड करते, बहुत लोग का ये कमेंट आता है, तो भाई शॉर्ट्स मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि मैं भाई शॉर्ट्स क्रिएटर नहीं हूँ भाई, मैं कभी शॉर्ट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। देखो आई नो गाइस, शॉर्ट्स वीडियो डालने से भाई अच्छे ग्रोथ होते हैं, आई नो उसकी वजह से भाई अच्छे सब्सक्राइबर भी गेन हो सकते हैं, बट भाई देखो अपना जो लॉन्ग कॉन्टेंट है ना भाई, लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट, अभी देखो भले ही भाई उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, जो भी लोग कहते हैं भाई लॉन्ग वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते एंड ऑल, तो ठीक है नहीं आता आई नो दैट, बट स्टिल जो मज़ा भाई लॉन्ग वीडियोस मेक करने में आता है वो भाई शॉर्ट कंटेंट में मुझे नहीं आता है। भले भाई लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं शॉर्ट कंटेंट को, 16 सेकंड का शॉर्ट्स भाई स्क्रॉल कर करके लोग बहुत देखते हैं, लेकिन जो लंबी वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलता है, जो आप लोग से बातचीत हो पाती है, उसका एक अलग मज़ा होता है। जो लोग भी ये कहते हैं ना भाई उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी परेशानियाँ चल रही है, तो एक बार ये चेक करो भाई इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम होगी भाई। देखो कोई नहीं चाहता भाई ऐसे मतलब फुटपाथ पे सोना, बट भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ समझो भाई, हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हर प्रॉब्लम को भाई अच्छे से झेलना पड़ता है, क्योंकि भाई जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रॉब्लम्स है लाइफ में तो भाई उसको झेलना ही पड़ेगा भाई। जल्दी से खुल जा बस डर्स को, बहुत ही ख़राब लगता है भाई ये इन सारी चीज़ों को देखकर कि यार कोई बंदा ऐसे मतलब उनके पास कपड़ा भी नहीं है, फुटपाथ पे सो रहे। ऑल दो भाई इतनी गर्मी है ना, ऐसा हालत हुआ पड़ा भाई बिना एसी का पूरा दिन। अबे यार, ओ भाई साहब, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया भाई इसके ऊपर से कुछ था यार, मेरे को लगा आज मैं टकरा गया।
तो भाई ऐसा चीज़ होता है भाई, सब क्या करना चाह रहा है भाई आज, भाई लोग देख रहे भाई करा फिर भी रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो यही मैं कह रहा था भाई, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है और भाई आप सबको पता है हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम छोटी या बड़ी होती है, तो उसको एक्सेप्ट करो, झेलो और उसके आगे बढ़ो। आज ना भाई सब कुछ गलत ही हो रहा है, सारे बंदे रॉन्ग नहीं मिल रहे हैं अपने को। देखो यार इतनी गर्मी होती है ना, दिन में हिम्मत नहीं होता बिल्कुल भी। और तो भाई रील्स वगैरह शूट करने के लिए अपने को दिन में निकलना पड़ता है, बट अब क्या कर सकते हैं भाई, हमारा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है, काम करना भी ज़रूरी है। अगर अच्छे अच्छे कंटेंट नहीं आएंगे ना भाई, तो फिर कोई भी देखता नहीं है। और आजकल क्रिंज कंटेंट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे को ना भाई वो आज तक कभी समझ ही नहीं आया भाई, वो लिपसिंग वाला कंटेंट मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन लोग करते हैं भाई, अच्छी बात है जो करते हैं, सबका अपना अपना शौक है, सबका अपना अपना पोटेंशियल है। तो भाई मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग वीडियोज़ बनाना, बहुत लोग बोलते हैं भाई आप भी शॉर्ट्स क्रिएट करो, अच्छा ग्रोथ होगा। भाई ठीक है, आई नो दैट अच्छा ग्रोथ होता है शॉर्ट्स पे, बट स्टिल आई एम सेइंग भाई जो अपना बेस होता है भाई, अपना जो कंटेंट है वो इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भाई यहाँ से लग रहा लंबा ट्रैफिक मिलने वाला है आई गेस दो, या फिर सिर्फ इस गोल चक्कर पे ट्रैफिक है पता नहीं। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे ना भाई, तो वीक में एक आधी शॉर्ट्स मैं डाल दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, बट भाई रील्स अपनी भाई रेगुलर आते रहेगी। तो जो लोग भी अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। जिन्हें भी नहीं पता भाई, स्ट्रीट बर्नर 15 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, जल्दी से जाओ फॉलो करो भाई। एंड बहुत लोग पूछ रहे हैं भाई अपनी ज़ारा का है, ज़ारा भाई घर पे लगी है। एक्चुअली क्या हो ना, उसका जो स्पीडोमीटर है ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो बहुत अजीब सा दिखता है स्पीडोमीटर, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा राइड नहीं करता उस बाइक को। बट आप लोग बोलोगे भाई तो उस पर भी नेक्स्ट ब्लॉग में भाई दिखा देंगे। चलो चलो भाई निकलते हैं जल्दी जल्दी, हेलमेट के अंदर ना पसीने छूट रहे हैं मेरे, इतनी गर्मी है। काश मैं आपको हेलमेट के अंदर दिखा पाता, मेरे फेस का जो हालत है ना अभी पूरा भीग चुका है भाई स्वेटिंग से, जो हमारा बालक लावा है। ये देखो भाई कॉर्नर, यहाँ के कॉर्नर्स पे ना बहुत ज़्यादा भाई सैंड पार्टिकल्स रहते हैं, जिसकी वजह से ना भाई उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता लीन करने पे। आज अपने को इस तरफ जाना, जल्दी से पहुँचते पहले, क्योंकि अपने फ्रेंड लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं अपना। काफ़ी दिन के बाद यार, मतलब ऐसे रात को ग्रुप में राइड कर रहे हैं, देख लो 3-4 बाइक से साथ में। और भाई बहुत दिन के बाद वीडियो में आपको RR 310 दिख रहा होगा, क्योंकि RR 310 भाई बिल्कुल ना के बराबर दिखता है। एंड भाई बहुत मतलब रेयर बाइक हो चुका है, क्योंकि जब से BMW वालों ने लॉन्च किया ना, तब से लोग ज़्यादातर BMW ही ले लेते हैं RR 310 को छोड़ के। दिखता बहुत आसान है भाई, लेकिन ये रनिंग शॉट निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा बहुत भाई इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह भी निकल जाने चाहिए, बाकी अपने ब्लॉग तो भाई डेली चलती ही रहती है। भाई यहाँ पे लगता है कुछ कांड हो गया है। भाई पूरा खत्म है, कौन सा नशा किया जी? आंख दिख रहा है तुम्हारा, आंख दिख रहा है, दिखा है। वो सोलेशन मारा हुआ है, नशा में है। सही बात है, खड़ा आदमी बाइक से भी रहेगा, हम लोग जैसे लोग तुम भी है साथ में, आप अकेले है ना, एक्टिंग भी ज्यादा कर रहा है कि बच जाए। गलती से गाड़ी अब तुम्हारा चला गया,
गलती सही से ना पूरा गाड़ी अभी तुम्हारा बिक जाएगा। औजा हो भाई गलती से। अब गलती का हर जाना कौन करेगा? वो तो एकदम साइड में लगा हुआ भैया, देखिए ना कुछ ना बोल रहे क्या कर रहे, पूरा खत्म है नशा में। सही बात है, बिल्कुल रहता। खराब गाड़ी में सुरक्षित नहीं रहेगा आदमी, तो चलेगा क्या रोड पर? जबकि इसमें इतना तेज मार रहा, बाइक वाइक तो बचेगा नहीं, मर जाता आदमी ना, मार देता है किसी को, मर्डर हो जाता है। आप सोचो भाई, बंदा इतना नशा में है कि उसको कुछ भी होश नहीं है। चलो ये तो भाई फॉर्चुनर थी जो अगले को भाई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। भाई 15-20 मिनट लग गए पुलिस को आने में, बट एटलीस्ट चलो एक चीज़ हुआ भाई, उसको सबक ज़रूर मिलेगी। देखो यार ठीक है, मानता हूँ भाई छोटा है बंदा, लेकिन यार ऐसे नशे में भाई वो किसी को भी उड़ा सकता था, किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता था। तो भाई सबक सीखना तो ज़रूरी है, अगर नहीं सीखेगा आज तो कल भाई हमारे जैसे किसी इंसान को उड़ा सकता है, मुझे क्या भाई आप जैसे लोग को भी, कोई भी अपने भाई जो भी रोड पर चल रहे ना कोई भी सेफ नहीं है। चलो भाई चलते हैं वापस की तरफ। भाई ये सारा इंसिडेंट देख के ना बिल्कुल मन ही उतर जाता है भाई राइड करने का। अभी मैं बहुत अच्छे मूड से आया था बाइक राइड करने का, बट ये सब देख के ना बिल्कुल दिमाग ना काम नहीं करता। लेकिन जो भी हुआ भाई, देखो भाई वो बंदा बेचारा पानी पीने के लिए रुका था, आप सोचो भाई आपकी गाड़ी भी हो सकती है यार। तो ऐसे लोग जब भी देखे तो थोड़ा कोशिश करो, सबक ज़रूर सिखाओ ऐसे लोगों को। अपना काम था भाई, पुलिस आ गया वहाँ, उनसे भाई सब कुछ करा के निकल जाने का जो भी पॉसिबल था। सो राइट गाइस, तो अभी चल रहे भाई यहाँ से पानी वानी पी लिया हमने। भाई ये मिल गया था आपको, हमने दिखाया था उस दिन ये पर्पल वाली हार्मोन 5V4, ये जा रहा है भाई अपने। भाई वो जो वाइज़र हमने दिखाया था ना, मैं सोच रहा वो वाइज़र लगा लेने का, वाइज़र काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा आएगा। चलो ठीक है भाई, अभी अपन चल रहे हैं इधर वापस की तरफ, क्योंकि हमें जाना है भाई घर। भाई जो भी कह लो, आज ना भाई सच में बहुत अच्छे मूड से निकला था भाई, अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाने के लिए, अच्छा सा एक छोटा था तबाही वाला स्ट्रीट रेस आने वाला था, बट ऑल ऑफ सडन आपको मैंने बताया भाई ये सब चीज़ देखकर ना बिल्कुल मन उतर सा गया भाई, बाइक भगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और शायद अभी तक भाई यहीं पर लगी पड़ी वो फॉर्चुनर, मुझे लगा भाई जा चुका होगा बट अभी तक यहीं पर लगी है ये देखो, और वो टोटो भी यहीं लगी है, पता नहीं भाई पुलिस वालों ने क्या किया क्या नहीं। तो गाइज़ आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अभी मैं इधर जा रहा हूँ थोड़ा काम है, उसके बाद घर निकल जाऊँगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड भाई कमेंट करके बताना भाई और भी आपको किस टाइप के कंटेंट चाहिए, क्योंकि देखो आप सबको पता भाई जिस टाइप का कंटेंट आप बोलते हो भाई आपके लिए लेकर आ जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलता है वीडियो के साथ, बाय बाय गाइज, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।